आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बनाने जा रहे हैं माँ चने की दाल। इसे बनाना बहुत आसान है, ये पंजाबी रेसिपी है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप चना दाल ली है, आधा कप मैंने उड़द दाल ली है। इसे हम पानी में डालकर अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए दाल मैंने धो ली है। इसे हम कुकर में डालेंगे और पानी डाल देंगे। पानी हमने ज़्यादा ही डालना है। अब हम इसमें दो लौंग डाल देंगे। इसमें हम 1/4 टेबलस्पून टर्मरिक डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम 6 से 8 विसल लगा लेंगे। एक पैन में हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे। इसमें हम 2 तेज़पत्ते डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे और साथ ही 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे चटका लेंगे। ये मैंने जिंजर और गार्लिक चॉप किया हुआ लिया है, इसे भी हम डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, ये मैंने 1 कटा हुआ प्याज लिया है। इसे भी हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसे हम चलाते रहेंगे। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर को हमने अच्छे से भूनना है। ये देखिए टमाटर ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। आधा चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच ही हम सॉल्ट डालेंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, आधा चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे और साथ ही कसूरी मेथी डाल देंगे। अब हम इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे। इसके लिए मसालों को पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। इससे हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। तो चलिए अब कुकर का लिड हटा लेते हैं। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। मसाला भी हमारा अच्छे से पककर तैयार है। तो चलिए अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अगर आप दाल पतली रखना चाहते हो तो आप 1 कप और ऐड कर सकते हो पानी से। दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दाल का ढक्कन लगाकर इसे 15 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए हमारी दाल कितनी अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दाल में। ये देखिए दाल हमारी कितनी अच्छे से पक चुकी है। तो अब दाल पक चुकी है, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इसे चपाती के साथ, राइस, नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा और मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।